मतदान के दौरान नीमच के राजीव नगर में भाजपा के पूर्व पार्षद पर हुआ फायर। बुधवार को नीमच के राजीव नगर में भाजपा के पूर्व पार्षद रमेश चंद्र माली पर अज्ञात व्यक्ति ने छर्रे वाली बंदूक से फायर कर दिया। घटना में रमेश माली घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक जिला चिकित्सालय पहुंचे। मामले में रमेश माली ने बताया कि मतदान के लिए मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर ले जाने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर में राजीव नगर की आटा चक्की के समीप से गुजर रहे थे। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उन पर फायर कर दिया। जांघ से खून बहने पर उन्हें घटना की जानकारी मिली। फिलहाल माली की जांघ से बंदूक का छर्रा निकालकर जिला चिकित्सालय से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। मामले में कैंट थाना प्रभारी राजेंद्र नरवरिया ने बताया कि छर्रे वाली बंदूक से फायर हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। शिकायत के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। राजीव नगर में हम दिन भर से वोटिंग के लिए वोटरों को ला रहे थे, तो करीब 4:15 बजे हम राजीव नगर में वोटरों के लिए भाई कौन बाकी रह गया इसके लिए गए हम। तो जो चक्की वाली लाइन है, उस चक्की वाली लाइन से 2 से 3 मकान में आगे निकला और मेरे को ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा, मकान का काम चल रहा था, तो वहाँ मेरे को ऐसा लगा मतलब पटाख से आवाज़ आई। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार कुछ पैर में लग गया उछल के। मैंने गाड़ी नहीं रोकी, 2 मकान या 3 मकान आगे जब गाड़ी रोकी मैंने, गाड़ी रोकने के बाद जैसे ही मैं रुक के हाथ लगाया मैंने, तो पूरा मेरा ब्लड में हो गया हाथ और वो पेंट के अंदर होल हो रहा। फिर मैं घर गया, घर जाने के बाद जैसे मैंने वो पेंट खोल के देखा तो ये पूरी सूजन आ गई। फिर पैर वैर धोया मैंने, पैर धो के और बालक से बोला मैंने, प्रीतम से, भाई अपन हॉस्पिटल चल के आए, मैं किसी की लग गई किसी चीज़ की यार मेरे। फिर हम श्रीराम हॉस्पिटल गए। श्रीराम हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब ने देखा तो यार बोले कोई पत्थर पत्थर, जब उन्होंने निकाला तो अंदर से छर्रा निकला उसके अंदर। जब पता चला उन्होंने फिर बोला यार ये चीज़ मैं नहीं देखूंगा और आप सरकारी हॉस्पिटल जाओ। फिर हॉस्पिटल आए हम सरकारी। क्या है, किसी पे शंका है कि क्या है? नहीं, क्या अपने को किसी पे शंका नहीं है। 2 मकान पीछे योगेश प्रजापति भी वोटरों के लिए घूम रहा था, ये हमने पीछे मुड़ के जब देखा तो योगेश था वहाँ पीछे। इसके अलावा 2-3 लड़के थे, मैंने नहीं पहचाना उनको कौन थे क्या है। क्या माना जा रहा है कि इन्हीं के द्वारा हमला आपके ऊपर किया गया बंदूक से? ये अपन कैसे कह सकते, क्यों मैं तो गाड़ी पे चल रहा था क्योंकि मेरा ध्यान तो आगे था। अब वो पीछे से जिसने भी मारी, पीछे से मारी हुआ रमेश माली। आगे किस प्रकार की कार्रवाई रही आपकी, मतलब क्या चाहते हैं आपके द्वारा थाने पे कंप्लेन? अपन कंप्लेन करेंगे और कार्रवाई के लिए तो अब ये है, जो भी अगर इस टाइप का अगर कोई पकड़ाता है या ये पुलिस प्रशासन को देखना है, अगर इस प्रकार की कोई घटना जानबूझ के अगर की है तो उसको बिल्कुल दोषी है तो सजा मिले उसको। रमेश माली।